बिहार में फर्जीवाड़ा कोई नई बात नहीं है। आए दिन नई नई चीट फंड की कंपनियां खोल महिलाओं को गुमराह किया जाता है। इन चीट फंड की कंपनियों द्वारा आसानी से महिलाओं को गुमराह कर अपना शिकार बनाया जाता है। नमस्कार, मैं हूं श्वेता और आप स्वराग भात लाइव देख रहे हैं। बिहार में फर्जीवाड़ा कोई नई बात नहीं है, ये तो आपने सुना ही होगा। आए दिन नई नई चीट फंड कंपनियां खुल रही हैं जो अधिकतर महिलाओं को ही अपना शिकार बनाती हैं, क्योंकि महिलाएं उनकी बात में आसानी से आ जाती हैं, खास करके घरेलू महिलाएं। मोतिहारी की महिलाएं आज पटना पहुंची और जदयू कार्यालय में कार्यकर्ता दरबार लगाया गया, जिसमें काफी संख्या में अपनी समस्याओं को लेकर जदयू कार्यालय के बाहर महिलाएं मुख्यमंत्री से मिलने की जिद पर अड़ी हुई थी। उनका सीधा आरोप चीट फंड से जुड़ा हुआ था। मामला ठगी की शिकार हुई काफी संख्या में महिलाएं, एक महिला से करीबन 22,500 की ठगी का शिकार हुई। और ऐसी करीबन कितने ग्रुप चल रहे हैं, 20 ग्रुप की महिलाओं का समूह बनाया गया था, जिसमें एक समूह से 4.5 लाख रुपए की ठगी की गई। पटना के जदयू कार्यालय के बाहर काफ़ी संख्या में एकजुट होकर पहुंची महिलाएं जिद पर अड़ी हुई थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर अपनी शिकायत कहनी है। और महिलाओं का सीधे तौर पर कहना है कि बैंक हमारा लोन माफ़ कर दे, क्योंकि हमने बैंक से लोन लेकर पैसे निर्भय यादव को दिया है। निर्भय यादव ने ही हमारा लोन पास कराकर हमसे पैसा ले लिया और कहा कि इसके बदले में महीने के 12,000 दिए जाएंगे और तुम्हारी गरीबी को हम दूर करेंगे। ऐसे इस तरीके से करके करीबन काफ़ी संख्या में महिलाओं को ठगी का शिकार बनाया। आज पटना के जदयू कार्यालय वीरचंद पटेल पद पर पहुंची महिलाएं, लेकिन कोतवाली थाने के द्वारा मौके पर पहुंचकर महिलाओं को शांत करवाया गया और वहां से हटाया गया। क्या समस्या है, क्यों पहुंची है? देखिए सर, वो रोशन कुमार आया, सेफ बैंक का साथ लेकर आया, लोन हम लोग का उठवा दिया। 16-16 दीदी का समूह बनाकर 21-21,000 रुपया ले गए आ ले गया, पेपर बना दिया आ कि बोलू हम आपको पैसा देंगे, वो नहीं, फरार हो गया है। आ रंजय सर, आ रोशन सर फरार हो गया है, आ ऋषिया फरार हो गया है। हम लोग का लोन वाला दौड़ता है कि हम लोग नहीं जानते हैं, हम लोग लोन देते हैं आपको, दिए हैं तो हम आपसे लेंगे, आपको घर में तला लाव कर देंगे, आपको लड़का का उठा कर ले जाएंगे। कितना लोन लिए थे बैंक से? कॉल बोल के गया है लोन वाला कि आपको नौकरी से जाएंगे तो जाएंगे, आपको गोली मार कर जाएंगे, जान गए। ढाका वाला से कौन जिला से आई है? हम मोतिहारी जिला से सर आया, फेनारा थाना रतनवा गांव से आया है। कौन थाना है आपका? फेनारा थाना है सर, आया है सर, हमको निर्णय करवाइए, हमको माफ करवाइए, नहीं तो हम मर जाएंगे इसी जगह। हमको मुख्यमंत्री से भेंट कराइए, हमको क्या निर्णय निकालेगा, नहीं निकालेगा, हम लोग मर जाएंगे इसी जगह, भूखा प्यास से मर जाएंगे। जान गए सर, हम आप लोग का कल जो रहे हैं, हम लोग का खाने के लिए नहीं है, जमीन इतना बैठने के लिए नहीं है, हम लोग का लालच दे दिया कि 25-25 का महीना आपको 2 बरस देंगे, लोन सर जाएगा, 24,000 रुपया फायदा में आएगा। तो हम लोग गरीब आदमी फंस गए, हम नहीं जाने कि दोनों मिलकर चिटिन बात खेल रहा है, जान गए। हम लोग का बहुत दशा करा है लोन वाला, कोई हमारा लोन वाला का सहारा नहीं। आप देखिए पेपर बना दिया है सर, 6 लाख का पेपर बना दिया है, फरार हो गया है, जान गए सर। हम लोग आप सर, हम लोग जो है ना मोतिहारी जिले से आए हैं, घर पकड़ी दियाल सिराहा गांव हुआ, थाना पकड़ी दियाल हुआ। हम लोग सर इसलिए है कि हम लोगों को साथ में फर्जी काम, क्या नाम था यादव जी का? निर्भय यादव हम लोगों के साथ फर्जी काम किया है। कितना पैसा लिया है? 135 करोड़ रुपया, शिवहर जिला, मोतिहारी जिला, सीतामढ़ी जिला, मुजफ्फरपुर जिला से सर, लगभग हम लोग को जितना भी करीबी रिश्तेदार लोग हैं, संबंध वाले लोग हैं, सभी को फंसाया गया। हम फंसाए, हमारे सामने इस आगे कोई और था, बहन थी, बहन का दियादिन थी, ननद थी, ऐसे कर करके जो है ना फंसाया गया। इसमें ना था कि हम केवल मोतिहारी जिला को काम लेंगे या उसको ही पैसा लेंगे, और न था कि हम केवल शिवहर को लेंगे। हमको चाहे जहाँ से पैसा आवे लेकिन हमको लेकर दीजिए। हम लोग उसको 22,500 रुपये एक एक व्यक्ति से शुल्क के देते थे, 12,000 रुपया हमको मिलता था, 20 आदमी से 22,500 रुपया वसूल कर देने के बाद में हमको 12,000 रुपया मिलता था, जिसका वजह है कि लगभग हम लोग पूरा हिसाब किताब लग... उसका 2 साल संस्था चला चलाया, तो उसमें जो है ना धीमी गति पैसा देने में
समर्थ नहीं होता था, लेकिन लेने में आगे था कि मैनेजर को कोरोना हो गया है तो मैनेजर मर गया है तो लॉकडाउन लग गया है, तरह तरह का विवाद जो है ना करते रहता था। हम लोग को जो है ना दिलासा देता था कि आप लोग पैसा को जो है ना ये कीजिए वो कीजिए, अब महीना बढ़ जाएगा आपका 12 से जो है ना 15 कर देंगे 18 कर देंगे। लोग जो है ना महिला लोग को काम है, ये सब जो है मेहनत करना शुरू कर दी, बहन को जोड़ ली, ननद को जोड़ ली, दियादिन को जोड़ ली, लड़की को जोड़ ली, समधीनी को जोड़ ली, ऐसे कर करके लोग जो है ना बहुत सारा जी रिश्तेदारों को। जिला का कोई अनुभव नहीं है कि हम किस जिला से ला रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, हमको पैसा चाहिए, मेंबर चाहिए, आदमी जो है ना जोड़ना चाहिए। हम यहाँ पे आए हैं बिहार सरकार को जो है ना यह सूचना डालने के लिए कि हम गरीब आदमी को लॉकडाउन में तो जिंदा रखबे किए हैं, लेकिन हम लोगों को जो है ना देखे और वो जो है कि हम लोगों को जो है ना निदान नहीं करेंगे तो क्या होगा। लगभग इस समय से हमको लगता है कि 15 से 20 महिला तो मर जाएगी 10 दिन के अंदर में, लगभग 4-5 महिला तो मर गई है, लेकिन 15 से 20 महिला मर जाएगी।